हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी बेबी कैप लेके आई हूँ। इस बेबी कैप को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये वर्धमान वाली बेबी वूल ली है और ये 10 नंबर की निडल ली है। इससे हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अगर आप इस वर्धमान वाले में, ओसवाल वाले में, रैबिट गंगा वगैरह में बनाना चाहते हैं जो बेबी वूल होती है, तो इसमें आप 10 नंबर की निडल यूज कीजिएगा। और जो आप इसको 3 प्लाई में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 नंबर की नीडल्स यूज कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको बुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फंदे डालेंगे कैप बुनने के लिए। ये कैप हम न्यूबोर्न बेबी से लेके 6 मंथ के बेबी के लिए बनाएंगे। तो ऐसे धागा डबल करेंगे जितने फंदे हमने डालने हैं, और ऐसे यहाँ पर डबल धागा करके नोट लगा लेंगे और एक फंदा ऐसे बुन के निडल में डाल लेंगे। ऐसे इसको टाइट करेंगे। अब डबल धागे को अंगूठे पे, सिंगल को उंगली पे ऐसे करेंगे, और यहाँ से डबल के नीचे से डाल के सिंगल का फंदा बना लेंगे। ऐसे फिर डबल के नीचे से डाल के सिंगल का फंदा बुन लेंगे। 3, 4, 5 ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पे 12 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे 12 फंदे मैंने डाल लिए हैं। न्यू बोर्न बेबी से लेके और 6 मंथ के बेबी के लिए ये आराम से बन के आएगी 12 फंदों में। अगर आप इसको 6 मंथ से 1 साल के लिए बनाना चाहते तो यहाँ पे आप 15 फंदे डाल लीजिए, और प्रोसीजर हमारा बुनने का सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट फंदा है, इसको ऐसे ही उतारेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। अब आगे से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लेंगे। बहुत ही प्यारी बेबी कैप बन के आएगी। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताएंगे, बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये फर्स्ट रो हमारी बुन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट फंदा आएगा बुनते वक्त, इस फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतारेंगे दोनों तरफ से, इसको बुनेंगे नहीं। फिर धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये हमारी सेकंड रो है। ये दोनों तरफ से इस कैप में ये बुनाई यहाँ से सीधी सीधी बनती जाएगी। अब ये लास्ट फंदा है जो बैक साइड से, इसको धागा अपनी तरफ करके इसको उल्टा बुनेंगे हर बार ऐसे। अब आएंगे सीधी तरफ। ये हमारी थर्ड रो है सीधी तरफ से। फिर से इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। अब आगे के फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। तो दोनों तरफ से बुनेंगे इसको सीधा सीधा, और इसकी टोटल 12 सिलाइयाँ बना लेंगे। ये तीसरी सिलाई है हमारी। यहाँ पे हम दोनों तरफ से बुनते हुए 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। लास्ट का फंदा बुनेंगे। तो देखिए, जैसे हमारी ये एक धारी आई है, ऐसे ही आप यहाँ पे 6 धारियाँ बुन लीजिए, यानी 6 सिलाई सीधी तरफ से, 6 सिलाई उल्टी तरफ से। तो 12 सिलाइयाँ हमारी बन के आ जाएंगी। फिर आपको दिखाएंगे आगे इसमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी 6 धारियाँ बन गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 धारी हमारी सीधी तरफ से है, 6 उल्टी तरफ से। तो यहाँ पे हमारी 12 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई। अगर जो आप यहाँ पे थोड़े से बड़े बच्चे का बनाना चाहते हैं, तो ये 2-3 धारियाँ और ज़्यादा बुन लीजिए तो बड़े साइज में बन जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट फंदा है, इसको ऐसे ही उतारेंगे, इसको हर बार बुनेंगे नहीं, इसी से ही हमारी ये किनारी अच्छे से बन के आएगी। अब जो यहाँ से जो फंदा है, ये इस फंदे को उठाएंगे ऐसे, और ये फंदा यहाँ पे हम बढ़ा लेंगे सीधा बुनते हुए, और फिर पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छी स्टाइलिश कैप बनाएंगे, जैसे एकदम रेडीमेड लगेगी बनने के बाद। ये पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे।
जब भी बुनना स्टार्ट करेंगे वहां से फंदे को बुनेंगे नहीं, इस फंदे को हर बार ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं, बड़े साइज में, छोटे साइज में, न्यूबोर्न बेबी के लिए प्रोसीजर इसका सेम ही रहेगा बुनने के लिए। सिर्फ जो हम ये पट्टी बनाएंगे इसका साइज, ये बैक साइड है, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब आएंगे सीधी तरफ। अब जैसे एक फंदा बढ़ाया था ऐसे ही हम यहाँ पे 12 फंदे बढ़ाएंगे। जो हमने 12 फंदे डाले थे इतने ही फंदे हम अगर 10 फंदे डालेंगे तो 10 फंदे बढ़ाएंगे, 15 डालेंगे तो 15 बढ़ाएंगे। जितना बड़ा साइज बनाएंगे उसी हिसाब से हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे। तो ये फर्स्ट फंदा ऐसे उतारेंगे, फिर यहाँ से फंदा लेंगे, ये नीचे से उठाएंगे, नीडल पे ऐसे डाल लेंगे और इसको फिर से सीधा बुन देंगे ऐसे। तो अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए, 12 हमने डाले थे, 12 हमने बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे जब हमारे 24 फंदे यानी 24 फंदे हो जाएंगे तब तक हम इसको बुनते रहेंगे। ऐसे ही आप इसके 12 फंदे बढ़ा के कंप्लीट कीजिए। मैं भी इसको आगे बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा 12 फंदे बढ़ने के बाद इस तरह से बन के आया है। तो इनको काउंट करेंगे तो दो दो करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 24। तो 12 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब हमारे टोटल 24 फंदे यानी 24 फंदे। 12 फंदे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे, एक सिलाई हम सीधी तरफ से ऐसे ही उतारेंगे और एक उल्टी तरफ से, कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। जो 12 फंदे हमने बढ़ाए हैं वो सीधी सीधी तरफ से एक साइड में बढ़ाए हैं। तो इस सिलाई को पूरी को सीधा सीधा बुनेंगे, बैक साइड से फिर से एक सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे। अब हमारी 2 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे फंदे घटाने का प्रोसेस शुरू करना है। जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे ऐसे ही अब हम 12 फंदे घटाते जाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और जो 2 फंदे हैं इनका आगे की तरफ से ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक सीधा फंदा बुन देंगे। फिर पूरी रो को ऐसे ही बुनते जाएंगे, बैक साइड से फिर ऐसे ही बनाते आएंगे, फिर फर्स्ट फंदे को उतारेंगे और 2 का एक करेंगे। हर सीधी तरफ से एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे तो हमारा ये इस तरह से बन के आ जाएगा। ये पहले पट्टी बनाई हमने 12 सिलाइयों की, फिर ये यहाँ पे 12 फंदे बढ़ाए, फिर से 12 फंदे घटाए और फिर यहाँ तक हमारे फंदे घटे। अब आगे हमने यहाँ पे तो हमने नीचे बनाई थी ये 12 सिलाइयों की, 6 धारियों की, यहाँ पे बनाएंगे हम 12 धारियों की पट्टी, बीच में 12 की पट्टी यहाँ पे बना के, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे बनाएंगे जब यहाँ से फंदे घटाने हम शुरू करेंगे, 12 फंदे घटाने के बाद यहाँ पे हम 12 धारियाँ ये और बनाएंगे ऐसे ही जैसे नीचे पट्टी बनाई थी, ऐसे ही इसको बढ़ाते हुए। जैसे मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 धारियां बनी हुई हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे 12 धारियां बना के और फिर से यही फंदे बढ़ाने का प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर घटाने का और लास्ट में फिर 6 धारियां बना लेंगे। तो हमारी ये पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको ये पट्टी कंप्लीट करने के बाद फिर आपको ये दिखाऊंगी कि ये कैसे बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये पट्टी बन के तैयार हो चुकी है। इसकी टोटल लेंथ हमारी आई है, यहाँ से अगर हम इसको मेजर करेंगे और यहाँ तक, ये हमारी 14.5 इंच बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसको, ये टोटल कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अब इसको हम बंद करेंगे, इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो फंदों को बाइंड ऑफ हम सीधी तरफ से करेंगे, तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदे को अपनी तरफ इस नीडल पे लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी नीडल पे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी नीडल पे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। जब इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे तो सीधी तरफ से ही, ध्यान रखिएगा, सीधी तरफ से ही इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे
ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को हम बंद करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं टाइट से बंद कीजिएगा, नहीं लूज, नॉर्मल हाथ से इसको बाइंड ऑफ कीजिएगा। बहुत ही प्यारी कैप बन के आएगी और बहुत ही आसान है इसको बुनना। तो ये यहाँ पे हमारी बाइंड ऑफ हो चुकी है। यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और फंदा इसी नीडल पे रखेंगे। अब हमारी जितनी ये हमारी सीधी साइड है, सीधी तरफ से ऐसे इसको पकड़ेंगे और जितनी धारियाँ हैं हमारी, ये टोटल 74 धारियाँ हैं। तो एक फंदा तो हमारा ये बन गया, 74 धारियाँ हैं। एक फंदा ये जहाँ से फंदे डाले थे यहाँ से लास्ट में के उठाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 76 फंदे हम बना लेंगे। यहाँ से लेंगे जो ये चैन बनी हुई है हमारी, यहाँ से ये दोनों चैन के धागे लेंगे और इसी में से ऐसे फंदा बुन लेंगे। एक, ये दो, हर एक चैन के अंदर से एक फंदा उठा लेंगे। जब हम इस फंदे को बगैर बुना बनाएंगे तो ये हमारी अलग से चैन बन के आ जाएगी, फंदे उठाने में बहुत ही आसानी से फंदे उठाए जाएंगे। ऐसे हर एक चैन से एक फंदा उठाते हुए यहाँ तक हम पूरे फंदे उठा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हर धारी में से हमने एक एक फंदा उठाते हुए ये 75 फंदे उठ गए हैं। बीच में 74 एक साइड में था एक फंदा, अब जहाँ से फंदे ये डाले थे जो ये किनारी है इसके अंदर से एक फंदा बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारे टोटल 76 फंदे बन गए। ये सीधी साइड है हमारी, अब बैक साइड से इसको पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। ऐसे यहाँ से उल्टा बुनते हुए इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको उल्टा बनाते हुए जाएंगे। ऐसे इसको उल्टा बनाएंगे। ये हमारी पूरी रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम सीधी तरफ। तो सीधी तरफ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट फंदे को आप उतारिए और आगे से पूरी रो को सीधा बुनते जाइए। तो अब इसकी जो आगे की हमारी बुनाई होगी वो हमारी उल्टे सीधे की होगी। सीधी तरफ से सीधी सिलाई बनाएंगे और बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बनाएंगे। ऐसे बन के आएगा ये। और अब इसको इतना बनाएंगे जितनी हमने इसकी बच्चे के सिर की लेंथ के हिसाब से नाप के इसको, जैसे ये यहाँ से हमारा ये आगे की तरफ का हिस्सा है, ये जैसे 2 इंच बना हुआ है, तो हम इसको 3 इंच के करीब और बनाएंगे, 2.5 इंच बना लेंगे, या जितनी लेंथ हमको चाहिएगी उतनी इसको बना के फिर आपको दिखाएंगे आगे के पार्ट में इसमें क्या करेंगे। अब हमारी ये कैप की लेंथ बन के कम्प्लीट हुई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी ये 2 इंच थी नीचे की पट्टी थी जो, और जो ऊपर बनाया है वो हमने बनाया है ये 2.5 इंच का। तो क्योंकि ये बच्चे की कैप है तो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। तो अब यहाँ से हम फंदों की घटाई शुरू करेंगे। तो हमारे ये 76 फंदे हैं, तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे ही बनाएंगे, एच स्टिच है, इसको बनाइए या उतारिए ऐसे। फिर 5 फंदे बनाएंगे, टोटली ये 6 फंदे बना लेंगे यहाँ पे, 4, 5 और 6। 6 फंदे बनाने के बाद फिर यहाँ पे कटाई करेंगे। तो 2 फंदे ऐसे आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब ये आगे के 2 फंदे हैं, इनको बैक साइड से 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 2 फंदे घट गए हमारे, 4 से 2 फंदे बन गए। अब यहाँ पे हम 11 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 फंदे बुनने के बाद फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से। अब ये 2 फंदे हैं, इनका बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। अब फिर 11 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
सात आठ नौ दस और 11। फिर से यहाँ से 2 का 1 बनाएंगे। अब ये 2 हैं, इनका बैक लूप से 2 का 1 बुन लेंगे। फिर से ऐसे ही 11 फंदे बनाएंगे, तो इनको लास्ट तक यहाँ तक बुनेंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब फिर ये 2 हैं, इनका बैक लूप से 2 का 1 सीधा फंदा बनाएंगे। अब फिर लास्ट में हमारे फिर वही 6 फंदे बच गए। 5 फंदे बुनाई के 1 फंदा हमारा एच स्टिच है, टोटल 6 फंदे बन गए। तो हमारा बराबर दोनों तरफ से सेम बन के आया है। तो अब हम यहाँ पे बैक साइड से इस पूरी रो को बगैर फंदा घटाए ऐसे ही बुन लेंगे। बैक साइड से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, फिर सीधी तरफ आएंगे। अब आ गए सीधी तरफ, फिर से ये 1 2 3 4 और 5। अब की बार यहाँ पे 5 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से। अब जो ये फंदा है इसको इस साइड में घटाएंगे ऐसे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर यहाँ बीच के फंदे ऐसे ही बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 फंदे बुनने के बाद फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे आगे की साइड से। फिर यहाँ पे फंदा 2 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे। फिर से 9 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब इसका बैक लूप से 2 का 1 फिर कर देंगे। हर सीधी सिलाई में हमारे यहाँ पे फंदे घटते जाएंगे। फिर से 9 फंदे बुनेंगे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये 2 फंदे वे हैं जो हमने घटाए थे, 4 के 2 बनाए थे। अब यहाँ से इस फंदे के साथ इसको लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, और इसका 2 का 1 बैक साइड से। फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से ये घटाई वाले फंदे, तो यहाँ से आगे की तरफ से 2 का 1 बनाएंगे। फिर इस यहाँ से 2 का 1 बैक लूप से बनाएंगे। फिर लास्ट में हमारे 5 फंदे फिर सीधे, बैक साइड से रो को फिर से उल्टा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारे फंदे घट के आ जाएंगे और ये हमारे अलग से दिखाई देने लग जाएंगे घटने वाले फंदे। ये फंदे हैं जो अलग से दिखाई देंगे, तो इसको ऐसे ही घटाते हुए सभी फंदों को घटा लेंगे हम। आगे तक इनको बुनते जाएंगे, फिर आपको इसको दिखाएंगे। सीधी तरफ से घटाएंगे, बैक साइड से सिर्फ उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। सीधी तरफ से घटते जाएंगे हमारे, जैसे ये 1 2 ये 3
और ये चार और ये पांच, तो हमारे यहाँ पे हर सीधी सिलाई में 10 फंदे घटते जाएंगे। तो इनको जब लास्ट में सभी फंदे कम हो जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। अब हमारे ये फंदे घट के 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, 16 फंदे बचे हैं। ये 1, 2, 3, 4 और ये पांच, पांच जगह से फंदे घटते आए हैं। तो ये फंदा एच स्टिच है, दो फंदे ये जो घटने वाले हैं हमारे, बीच में एक एक फंदा हमारा बचा हुआ है। तो अब इनको सभी को 2 का 1 करते जाएंगे। पहले 2 का 1 आगे की तरफ से, फिर से 2 का 1, फिर इस फंदे को आगे से बनाएंगे, अब फिर 2 का 1 आगे की तरफ से करेंगे, फिर से एक फंदा ऐसे ही बनाएंगे, फिर से 2 का 1 आगे की तरफ से करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से 2 का 1 आगे की तरफ से करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से आगे की तरफ से करेंगे और फिर से फंदा सीधा बनाएंगे। इसको भी सीधा बुन देंगे, या आप इन लास्ट के 2 फंदों को भी 2 का 1 कीजिएगा। यहाँ पे बैक साइड से 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। तो अब हमारे ये यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, 10 फंदे अब हमारे ये बचे हैं। तो इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और जो ये फंदे हैं इनके अंदर से, यहाँ से इसके अंदर से सिलाई डाल लेंगे, या आप इस सिलाई को निकाल लीजिए ऐसे और फिर इन फंदों के अंदर से ऐसे सुई को डालते जाएंगे। इसको ऐसे खींच लेंगे, एक बार फिर इसी जगह से डाल लेंगे जहां से अब हमने ये डाल ली थी। 2 राउंड इसके अंदर से निकाल लेंगे और फिर से इसको ऐसे टाइट करेंगे। ऐसे हमारा ये टाइट हो चुका है। अब इसको फोल्ड करेंगे, उल्टा करेंगे और इसकी बहुत ही अच्छे से इसकी सिलाई करेंगे। तो इसकी सिलाई करेंगे जब इतनी बारीकी से करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा इसका ज्वाइंट कहाँ पे है। एक चैन यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, ऐसे सिलाई करेंगे, फिर से एक चैन यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से लेंगे, ऐसे सिलाई करेंगे। ऐसे ही करते हुए इसको यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी सिलाई हो चुकी है। सिलाई होने के बाद देखिए इसकी ऊपर से इतनी अच्छे से शेप आई है, बनके सभी पार्ट हमारे बराबर बन के आए हैं। अब हम इसके यहाँ पे एक पोम पोम लगाएंगे इसके इस हिस्से में। तो एक पोम पोम बनाएंगे, तो ये धागा लेंगे, इसको ऐसे उंगली पे जितना मोटाई पतले साइज में आपको ये पोम पोम फ्लावर बनाना है उतना ही धागा आप उंगली पे लपेट लीजिए। ऐसे इसको लपेटेंगे, इसको कम से कम 30-40 बार हम इसको लपेट लेंगे, तो बहुत ही प्यारा सा पोम पोम हमारा ये बन के आएगा। अब इसको ऐसे निकाल लेंगे और इसको बीच में से ऐसे पकड़ के और इस धागे को 2 बार ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद एक इसके ऊपर ऐसे नोट लगाएंगे, ऐसे इसके ऊपर नोट लगा के इसको ऐसे खींच लेंगे, टाइट करेंगे, एक नोट और लगा देंगे ऐसे। फिर इस धागे को थोड़ा सा लंबा काट लेंगे। अब इसको यहाँ से काटेंगे ऐसे और इसके दूसरे हिस्से पर भी ऐसे बीच में से ऐसे काट लेंगे। और अब इसको ऐसे अच्छे से करके इसके चारों तरफ से एक साइज में इसकी कटाई करेंगे।
ऐसे करेंगे इसको, इसको ऐसे बीच से पकड़ के ऐसे इसके चारों तरफ से कटाई करेंगे। ये एकदम गोल साइज में बन के आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारा ये पोम पोम बन के आ गया है। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जो धागा हमने ये लंबा काटा था, इसको सुई में डाल लेंगे। अब इस धागे को पिरोने के बाद इसको ऐसे इस बीच में से यहाँ से इसको निकाल देंगे। इसके यहाँ पे अच्छे से इसको पक्का कर देंगे, ऐसे इसको लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये पोम पोम लग के कंप्लीट हुआ है। अब जैसे हमने ये एक बद्धी यहाँ पे बनाई है, ऐसे ये यहाँ पे बनाई है और एक पोम पोम इस पे लगाया, तो एक बद्धी हम इस कोने पे बनाएंगे। तो ये डोरी बनाने के लिए हम यहाँ पे ये निडल लेंगे जो दोनों तरफ से हमारी प्लेन होती है, जिससे हम गले की बुनाई करते हैं। तो इससे हम इसकी ये डोरी बनाएंगे। तो यहाँ से जैसे ये डोरी बनाई है, ऐसे ही यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से हम तीन फंदे उठा लेंगे, ऐसे लेंगे और ऐसे फंदा बुन लेंगे, फिर एक फंदा और यहीं से ही उठाएंगे। इस फंदे को यहाँ से उठाएंगे सेंटर से। एक फंदा और यहीं से उठा लेंगे। ये तीन फंदे हमने उठा लिए। अब यहाँ से इस निडल को ऐसे कर देंगे, फिर इन के तीन फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। अब फिर इस निडल को ऐसे करेंगे। ये फंदे हमारे इसी निडल पे चलेंगे आगे तक, फिर इसको ऐसे ही बना लेंगे तीन फंदे, फिर इसको ऐसे ही फिर वापस करेंगे। जो ये धागा है इसको अंदर दबा लेंगे इसके यहाँ पे, ताकि ये निकलेगा नहीं। इसको साथ में बुनते जाएंगे और ये सीधी सीधी बनती जाएगी, तो तब हमारी ये डोरी गोलाई की शेप में बन के आ जाएगी। तो ऐसे बनाएंगे, फिर इन फंदों को ऐसे ही यहाँ से ले आएंगे, फिर से तीन फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। ऐसे तीन फंदे बनाएंगे, फिर इनको ऐसे ही इस निडल को ऐसे कर लेंगे, फिर से ऐसे बनाएंगे। जितनी हमको इसकी लंबाई चाहिएगी उतनी लंबाई हम इसकी बना लेंगे। ऐसे ऐसे हमारी ये गोल शेप में बन के आएगी दोनों चारों तरफ से। तो ऐसे ही बना के जैसे हमने ये बनाई थी 6 इंच लंबी डोरी, ऐसे ही हम इसकी इस डोरी को कंप्लीट करके फिर आपको इसको दिखाएंगे। हमारी ये डोरी बन के तैयार है। दोनों डोरी हमारी ये बराबर बन गई हैं 6 6 इंच की। तो अब इन फंदों को हम यहाँ पे बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे ऐसे। ऐसे तीन का एक बनाएंगे और इस फंदे को थोड़ा सा टाइट करेंगे ऐसे। इस धागे को यहाँ से काट लेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे और ऐसे इसको टाइट करेंगे। फिर यहाँ पे एक पोम पोम ऐसे ही लगाएंगे जैसे यहाँ पे लगाया। अब इस धागे को सुई में पिरोएंगे और यहाँ से इसको अंदर की तरफ से ऐसे अंदर अंदर से इसको ऐसे निकाल लेंगे, ताकि ये दिखेगा भी नहीं ये धागा हमारा यहाँ पे।
और इसको अब यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। अब इस डोरी के आगे यहाँ पे पोम पोम लगाएंगे। मैंने ये एक पोम पोम और बना लिया है, तो इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, इसके अंदर से सुन डाल लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे फिर से एक बार यहीं से सुई निकाल लेंगे। अब इस धागे को इस डोरी के अंदर से ऐसे ही निकाल देंगे। और अब इसको यहां से कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कैप कैसी लगी? कैप बन के तैयार हो गई। ये हमारी न्यूबोर्न बेबी से लेके 6 मंथ के बेबी के लिए बन के कम्प्लीट हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये कैप बन के आई है, और बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, और कैप का ये डिजाइन पसंद आया हो, तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत ही प्यारी कैप बन के आई है। ये हिस्सा हमारा है जो बच्चे के कान पे इतनी अच्छी तरह से फिटिंग लेके आता है, बहुत ही प्यारी फिटिंग बन के आती है इसकी, और बनाना बहुत आसान है। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।